नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सिवान से। जब लंबी दूरी सफर कर मजदूर जब पहुंचे सिवान के बॉर्डर पर, कोई लखनऊ, कोई हरियाणा, कोई यूपी से, तो देखिए इनकी बेबसी, देखकर आंखों में आ जाएंगे आंसू। क्या कहना है इन लोगों का? और कुछ नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग लखनऊ से आ रहे हैं सर। लखनऊ में आपको कैसी व्यवस्था मिली? लखनऊ में व्यवस्था खराब था सर, तो वहाँ से आए हैं गाड़ी से, तो गाड़ी से यहाँ तक ले थोड़ा बहुत पहुँचा दिए हैं। लखनऊ सरकार ने आपको यहाँ तक पहुँचाया? हाँ, लखनऊ सरकार पहुँचा। परेशानी यही हो रहा है कि 4 घंटा से लाइन में खड़े हैं, पैदल भी कह देते गाड़ी नहीं तो हम लोग पैदल भी निकल सकते थे, चल जाते अपना घर, अभी तक घर पहुँचे रहते। महेंद्र पासवान सर है, कुछ खाना पीना मिला कि नहीं मिला रास्ते में? कुछ खाना पीना मिला सरकार की तरफ से? हाँ, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से लोग जैसे तैसे यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ बिहार सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए, जो यहाँ बस खड़ा करके रखना चाहिए कि जैसे लोग आवे उन लोगों को बस में बैठा करके जो जिस जिले के हैं वो जिले में पहुंचा दिया जाए। हमारा मेडिकल टीम ऐसा ही गाड़ी घुमा रहा है, लेकिन उसके पास अभी एक कहिए तो कोई साधन नहीं है कि उसे जांच कर सके। तो काफी परेशान है, क्या पहल कर रहे हैं आप विधायक होने के नाते? हम कल 7 बजे रात से यहाँ पर है और कल से हम लगे हुए हैं कि लोगों को उचित जगह पर पहुंचाएं, लोगों को खाना पानी का इंतजाम कराएं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल हमको फ्री होकर के काम करने नहीं दे रहा है। नियम कानून के अंदर ही करना है। प्रशासन से लगातार हमारी बात हो रही है, अभी यहीं से हमने प्रधान सचिव अमित सुभानी जी से बात किया, हमने मुख्यमंत्री से बात करने का टाइम भी मांगा और यहाँ के जो जिला समाहर्ता है उनसे दिन भर में 3 बार हमने बातें की, SP आए थे उनसे भी मैंने बातें की। मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि जो ये भीड़ है, जितने लोग हैं, इसको नियंत्रित करने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि बड़े पैमाने पर यहाँ बस लाया जाए और इनको वहाँ भेजा जाए। इस गाड़ी को प्रशासन अनुमति देगा उसी गाड़ी से भेजा जा सकता है, स्कॉट करके ले जाया जा सकता है। तो यही, और जिला प्रशासन वहाँ व्यवस्था करे, वहाँ स्कैनिंग करे, वहाँ जो है जो उसको स्वास्थ्य विभाग के बायलॉज है उसके अनुसार वहाँ वो काम करे। सरकार एकदम लगता है कि हाथ घोड़ सब पसार करके सरेंडर कर चुकी है और गरीब अपने भाग्य भरोसे जी रहा है। एडमिशन ओपन हो चुके हैं प्री 10 किड्स स्कूल में, क्लास प्ले ग्रुप से प्री सीनियर तक के बच्चों के लिए। जी हाँ, एक अनोखा और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपके बच्चों को हमारे क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा खेल खेल में दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। CCTV युक्त सर्वेलेंस, डिजिटल क्लासेस, रैपिड अटेंडेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, बच्चों के आने जाने के लिए वैन फैसिलिटी और अपनी ऐसी कई विशेषताओं के साथ प्री टीन किड स्कूल है सबसे सुरक्षित। बस मुझे शिवान के लोगों से गुजारिश है कि हमें एक मौका दे ताकि प्री टीन किड स्कूल अपने आप को प्रूव कर सके कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग स्कूल इन सिवान। आज ही एडमिशन कराइए प्री टीन किड्स स्कूल में। हमारा पता है प्रतिभा मेमोरियल हॉस्पिटल, नियर ललित बस स्टैंड, खुरमाबाद, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर पर 6299582।